वो कैसा मंजर होगा जब एक पिता ने अपनी जवान बेटी को नग्न अवस्था में पड़ा हुआ पाया। उसकी पेल्विक मेडन टूटी हुई थी, पेल्विक मेडन यानी कूल्हे का निचला हिस्सा। हाथ पैर विकृत थे और उसकी आंखों में चश्मे के टुकड़े टूटे हुए और लगातार खून बह रहा था। उन अंतिम क्षणों में उसकी ऐसी दुर्दशा अकल्पनीय है। उसके माता पिता को अपराध स्थल पर पहुंचने के 3 घंटे बाद तक शव को देखने तक से मना कर दिया गया। और आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि उसके शरीर में 150 ग्राम वीर्य यानी स्पर्म पाया गया। और इसमें हैरानी वाली बात यह है कि एक आदमी 15 ग्राम से ज्यादा स्पर्म रिलीज नहीं कर सकता। डॉक्टर की एटोस्पी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए खुलासे भी दिल दहला देने वाले हैं। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब पुलिस के अनुसार वारदात के मुख्य आरोपी, जिसका नाम संजय रॉय बताया जा रहा है, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे अपने किए का बिल्कुल भी पछतावा नहीं। उसने फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। और कमाल की बात तो यह है कि वारदात को पुलिस विभाग के सिविल वॉलंटियर ने अंजाम दिया। जी हाँ, मैं आरोपी संजय रॉय की बात कर रहा हूँ। पुलिस विभाग से जुड़ा होने के कारण उसका अस्पताल में आना जाना बिल्कुल आसान था, जिसका उसने फायदा उठाया। गिरफ्तार आरोपी गुनाह कबूल गया और रेप मर्डर के सबूत। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये पूरा मामला अभी भी कुछ सवालों में उलझा है, जिसका जवाब सीबीआई की जांच में मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो कौन से 5 सवाल है आपको बताते हैं। पहला सवाल, मृतका को चोट कैसे लगी? उसकी गर्दन, बायां पैर, टखना, उंगली टूटी मिली है। एटोस्पी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इन चोटों के लगने का कोई कारण नहीं बताया गया। दूसरा सवाल, डॉक्टर ने अपने साथ हो रही दरिंदगी का विरोध किया होगा, चीखने चिल्लाने की आवाजें हुई होगी, सेमिनार हॉल के पास नर्सिंग स्टेशन था तो किसी तक आवाज क्यों नहीं पहुंची, किसी को वारदात की भनक कैसे नहीं लगी। तीसरा सवाल, डॉक्टर के साथ इतनी दरिंदगी की गई, इसके लिए उसे बेहोश किया गया या उसका मुंह बंद किया गया था? क्या वारदात स्थल पर इससे जुड़ी कोई चीज मिली थी? चौथा सवाल, क्या संजय रॉय ने अकेले ही इतनी बड़ी वारदात कर दी? क्या अकेला आदमी इतनी दरिंदगी, वो भी शराब के नशे में, कर सकता है? कहीं वारदात में और लोग तो शामिल नहीं? पांचवा सवाल, संजय रॉय पर हॉस्पिटल में डॉक्टरों से बदसलूकी के पहले भी कई आरोप लगते रहे, फिर भी उसे अस्पताल में आने जाने कैसे दिया जा रहा था? उन मामलों पर शिकायत या एक्शन क्यों नहीं? लेकिन अब ये सिर्फ एक डॉक्टर के साथ बलात्कार का मामला नहीं रहा, ये एक अमानवीय कृत्य है। हम साल दर साल अमानवीयता की निचले स्तरों को उजागर करते रहते हैं। अरे मूर्ख तो वो लोग थे जिन्हें लगता था कि निर्भया के बाद अपराधियों और कानून व्यवस्था में कुछ सुधार आएगा। 12 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं बदला। कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज देखी जिनमें लिखा था कि इस देश में डॉक्टर होना अपराध है, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि इस देश में डॉक्टर होना अपराध नहीं है, इस देश में आशा करना और बेटी पैदा होना ही अपराध है। नमस्कार।